हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मी टू इजी रेसिपी। आज का रेसिपी जो बना रहे हैं वो है दालिया का खिचड़ी। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और ये बनाना भी बहुत आसान है और खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है। तो फ्रेंड, दालिया की रेसिपी के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, चलिए जानते हैं। दालिया एक ऐसा है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो दालिया की खिचड़ी बनाने के लिए हमने फ्रेश दालिया ले लिया है। मैंने देखिए अपने हिसाब से एक पाव दालिया लिया है और हम एक कटोरी में दालिया को ले लिया है और उसी जिससे मैंने दालिया को नापा है उसी में मैंने उससे थोड़ा सा मैंने मसूर डाल लिया है, आधा कप से भी थोड़ा सा कम मैंने मसूर डाल लिया है, उसे भी हमने दालिया के साथ ऐड कर दिया है और दोनों को अब एक साथ मिक्स कर देंगे और अब इसे हम कुछ देर के लिए पानी में भिगो के रख देंगे जब तक कि हम सब्जियों का तैयारी कर लेते हैं। और इसे अब कुछ देर भिगो के रखेंगे और जब हम इसे तैयार करेंगे उससे पहले इसे अच्छी तरह से वॉश आउट कर लेंगे, वॉश कर लेंगे। तो अभी हमारा दालिया तब तक भींग के थोड़ा सा फूल जाएगा तो ये बनने में बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत जल्दी भी पक जाएगा। तो अब इस दालिया के लिए हमने क्या क्या सब्जी लिया है, सबसे पहले हमने छोटे छोटे कटे हुए गाजर, थोड़ा सा बीन्स, थोड़ा सा आलू और मैंने अदरक को क्रश कर लिया है। आप इसमें फूल गोभी और मटर भी दे सकते हैं, बहुत खाने में स्वादिष्ट लगता है। मैंने सिर्फ बीन्स और गाजर और आलू से ही आज बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो कढ़ाई है उसमें पानी दिया और अब उसमें दालिया को अच्छी तरह से धो के उसे ऐड पानी में दे देंगे। गैस के आंच को अभी हम धीमा रखेंगे और धीमी आंच में तब तक सारे इंग्रेडिएंट्स हम एक एक करके देंगे। सबसे पहले मैंने दालिया और दाल को जो भिगो के रखा था उसे दे दिया। इसे देने से पहले फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरह से हमें धो लेना होगा। और देखिए अब देने के बाद हमने उसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है। अब जो सारा सब्जी है उसे एक एक करके ऐड कर देंगे। सबसे पहले जो अदरक क्रश करके रखा था उसे ऐड किया है, फिर हमने इसमें ऐड कर दिया है गाजर और इसमें हमने ऐड कर दिया बीन्स और हमने इसमें आलू को भी ऐड कर दिया। फ्रेंड इसमें हम टमाटर भी देते हैं, बहुत स्वाद लगता है। आप इसमें टमाटर और फूलगोभी और मटर का भी यूज कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो फ्रेंड अब हम नमक स्वाद अनुसार इसमें ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर सा, मैंने कश्मीरी लाल मिर्च दिया है, ये आप स्किप भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड हमारा दालिया गर्म होने लगा, वो आस्ते आस्ते जब उसमें उबाल आएगी तो हम सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब मैंने थोड़ा सा इसमें गोटा
हरी मिर्च को डाल दिया। इसे मैंने काट के नहीं डाला क्योंकि बहुत तीखा हो जाएगा, और इसमें अगर गोटा हरी मिर्च देंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो फ्रेंड, अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं, हमारा दलिया गरम भी हो गया है। अब बस हम कुकर का सीटी को दे देंगे, बस 2 से 3 सीटी, 3 सीटी देके हमें इसे ऑफ कर देना है, वो अंदर ही अंदर पक जाएंगे फ्रेंड, और दालिया खाने में भी जो खिचड़ी है वो ना ही स्वादिष्ट होगा। फ्रेंड्स देखिए, अब हम सीटी खोलने जा रहे हैं, ढक्कन खोलने जा रहे हैं, तो देखते हैं कैसा बना। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही प्यारा सा दलिया का खिचड़ी तैयार हो गया है फ्रेंड। ये बहुत ही हेल्दी होता है और ये खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट होता है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी इस रेसिपी को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका ये सपोर्ट मुझे मिलता रहे तो मेरा चैनल और भी ग्रो करेगा फ्रेंड। तो देखिए कितना खिला खिला दलिया का खिचड़ी बना है, और अब हम इसका आया है तड़का लगाने की बारी। मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल या घी, कुछ भी ले सकते हैं आप, लिया, और उसमें गोटा जीरा और सूखा मिर्च दिया है, और बस इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब गर्मा गर्म दलिया की खिचड़ी तैयार, और अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप मेरे चैनल को इस तरीके से सपोर्ट करते रहिए और मैं नई नई रेसिपी आपके लिए लाते रहूँगी। आज के लिए इतना ही। मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आया तो मेरी इस रेसिपी को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और मुझे इस तरीके से सपोर्ट करते रहिए। आज के लिए इतना ही। एक नई रेसिपी लेके फिर से मैं आऊँगी, तब तक के लिए।